नमस्कार, मैं रामदेव बाबा नहीं और देश में हजार और 500 के नोट बंद हो जाने से बड़ी हलचल है। चारों तरफ बस इसी बात की चर्चा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि पुराने नोटों पर गांधी जी बड़े चिंतित और उदास नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि नए नोटों पर गांधी जी बड़े खुश और हैप्पी नजर आ रहे हैं। 500 के नोट पर सांवली और 2000 के नोट पर गुलाबी मुस्कुराहट नजर आ रही है और उनकी मुस्कुराहट में बढ़ोतरी भी हुई है। और हाल ही में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वार्तालाप में अगर शांत आ जाए तो उतना ही बेहतर होगा। धन्यवाद। आओ, छुट्टी हो गई? रोज ही तो होती है। ये क्या बदतमीजी है, रिमोट क्यों छीना मुझसे? मांग भी तो सकते थे ना। मांगने पर कभी आपने 50 पैसे भी दिए? मुझे कार्टून देखने दीजिए। अरे कैसी बात करता है, ये ले 500 रुपया। अपने पास ही रखिए, मुझे पता है भी नहीं चलते। जब चलते थे तब तो कभी नहीं दिए। बड़े आए। हाँ भाभी, खाना। बोरेमोन, क्या तुम मुझे चॉकलेट दिलवाओगे? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देनी है। क्यों नहीं नोबिता, मुझे खुशी होती, पर मेरे पास पैसे नहीं है, बस 500-500 के नोट हैं। हाँ, आजकल फोक चल रहा है, जियो का सिम चल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, पता नहीं 500 का नोट क्यों नहीं चल रहा है। मैंने भी बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखे थे, पर पता ही नहीं था कि पैसों का वक्त भी बुरा आ जाएगा। यार राधा, तुम ये अचानक मायके क्यों जाना चाहती हो? तुमसे छुपा के जो पैसे रखे हैं वो बदलवाने जा रही होगी, यहाँ तो पोल खुल जाएगी। सबको अपने जैसा मत समझिए, मुझे तो माँ ने बुलाया है। उन्होंने भी इसी के लिए बुलाया होगा कि तुम्हारे पापा से छुपा के जो पैसे रखे हैं वो तुम्हें दे के बदलवा सके। पापा प्लीज। राधा सुनो, 2 दिन बाद चली जाना यार। नहीं, मुझे आज जाना है। मोरेमोन, क्या तुम्हारे पास 100 का नोट नहीं है? नहीं कविता, मैं कल बैंक की लाइन में लग के 4000 रुपए लेके आया था, पर 2000 के दो नोट। मुझे खुशी होती, पर मेरे पास पैसे नहीं है। किशन, ये साड़ी ऑर्डर की थी, इसके पैसे दे दो जरा। पर अभी साड़ी क्यों? ना किसी की शादी है ना कोई फेस्टिवल, तो क्यों? कहा था ना माँ के पास जा रही हूँ, और सारी साड़ियाँ एक एक बार पहन के जा चुकी उनके पास। अब उन्हीं में से एक साड़ी पहन के जाऊंगी तो माँ को कितनी बातें सुननी पड़ेगी पड़ोसनों से कि अच्छा अच्छा लड़की को एक साड़ी नहीं दिला सकते ये लोग। एक तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया, ऑर्डर किया और मुझे सुना रहे हो। जाओ पैसे दो उसको। यार तुम ना समझ में नहीं आती हो। मैडम पैसे। अरे रुको यार। सोनू रिमोट दे। तू बहुत देर से देख रहा है, मुझे इंडियन आइडल देखना है। मैडम पैसे। अरे रुको, तुम दोनों लड़ो मत, रिमोट मुझे दे दो, मैं न्यूज देखूंगा। मैडम पैसे। अरे रुको यार, तुम उसे मुझसे पैसे क्यों नहीं दे देते हो? देता हूँ, ठीक है सर। 500 के नोट नहीं लेते सर। हाँ? लेकिन मेरे पास तो यही है। 500 को 300 में ले लो। पापा ये मेरी मेहनत की कमाई है, कोई ब्लैक मनी नहीं है। चला लो फिर 500 में। देखो ना इसको। ये ना। क्या तुम्हारे पास 100 का नोट नहीं है? भैया ना बाप बड़ा ना भैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। मैडम पैसे दे तो रहा हूँ, ये नहीं चलते तो 400 में ले लो। पापा प्लीज। क्या तुम्हारे पास 4300 रुपए नहीं है? 4300 ऐसे नोट ही नहीं बना आज तक। मैडम पैसे दे तो रहा हूँ, ये नहीं चलता। मोरेमोन, क्या तुम्हारे पास 100 का नोट नहीं है? क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है? मेरे पास 500 है। मैडम पैसे नहीं है यार। पैसे तेरी साड़ी ले और निकल जा तू यहाँ से। नहीं, मैं मायके चली जाऊंगी अगर मेरे को साड़ी नहीं मिली तो। तुम तो नई साड़ी पहन के जाने वाली थी ना। पापा प्लीज। मैडम पैसे देंगे या साड़ी? ये ले जा, दफा हो जा, चल निकल। थैंक यू। मैं मायके जा रही हूँ। ब्लैक मनी वाले गरीब साले। आखिर तुम मायके जाना क्यों चाहती हो? सुन, परसों नोट बदलवाने की आखिरी डेट है, इसीलिए जा रही है। पापा प्लीज यार। मेरे पास नहीं है पैसे।
देखा, पक्का नोट बदलवाने जा रहे हैं। पापा प्लीज यार, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। मैं जा रही हूँ। मत जाओ यार प्लीज। भाभी प्लीज मत जाओ। चलो चलो मैं भी चलूंगा, मेरे भी कपड़े ले लो। मेरा नोट बदल वाला ना राधा। मैं कोई नोट बदलवाने नहीं जा रही हूँ। यार कल एटीएम की लाइन में लग के तेरे लिए नई साड़ी मैं ला दूंगा। सुन, एटीएम में ना सिर्फ 2,000 निकल रहे हैं और साड़ी की कीमत है 4,300 रुपए। ये 500 भी मिलाऊंगा ना तो भी साड़ी नहीं मिलेगी अपने को। पापा प्लीज प्लीज। मैं जा रही हूँ। अरे जाओ। ये काम नहीं करते ना,